मेडिकल चेकअप कैंप रखा है, कितने लोगों को फायदा हो रहा है इससे और आगे क्या अपील करेंगे? फायदा तो अब कैसा है वो तो डॉक्टर साहब का काम है जो है तो देखना, दवा देना, शिफा देना अल्लाह का काम है और इंशाल्लाह शिफा बिल्कुल होंगे अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि कैसा जब ये जो है तो कोई पैसे वगैरह नहीं है, ये तो फ्री कैंप है और डॉक्टर जो है तो मुश्ताक साहब का जो है तो इन्होंने भी हमारे लिए वक्त दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर यासिर साहब ये भी जो है तो आई केयर इनका भी शुक्रगुजार हूँ और डॉक्टर जेबा डेंटिस्ट इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो है तो हमारे लिए वक्त निकाला और जो है तो इंशाल्लाह हम इनसे गुजारिश करते हैं कि आने वाले वक्तों में जो है तो ये जो है तो हम यानी हमारा साथ दे ताकि हम जो है तो कौम के काम आ सके फैज मोहम्मद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और इंशाल्लाह आगे ये काम जारी और सारे होंगे इंशाल्लाह। और हम ये चाहते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के करम से कि लोगों को जो है तो अवेयरनेस पैदा करना है हमको फैज मोहम्मद की तरफ से, मोहम्मद का फैज जो है तो हमको दिलाना है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे जो है ये काम कराए और आगे जो भी काम है इंशाल्लाह ये तो कैंप फ्री है आगे और इंशाल्लाह कैंप होते रहेंगे इंशाल्लाह और हमारी टीम साथ काम कर रही है इसके और हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला जो है तो सबका साथ होना हमको और जो है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जो है तो अल्लाह ताला जो है तो जो कैंप लिया है अल्लाह इनको शिफा दे सबको। एक सवाल मेरा ऐसा है, आप राजनीति से भी ताल्लुक रखते हैं तो आपने देखा होगा कि भारतीय अस्पताल में जो है तो पहले फ्री दवाइयां मिलती थी, हफ्ते में एक बार फ्री कैंप वहां पे भी होता था, अब वो बंद कर दिया गया है। तो अब आपने देखा सुबह से कैंप लगाए तो सैकड़ों लोग आपके पास में फ्री चेकअप के लिए आए, मतलब महंगाई का हाल आपको देखने को मिल रहा है। तो आप घाटी प्रशासन से क्या अपील करेंगे? घाटी प्रशासन से हम भी अपील करेंगे भाई जो है तो उन्होंने भी जो है तो दवा जो दवाइयाँ फ्री देना चाहिए जैसा पहले मामला था और अभी यहाँ हमारे पास तो हम जो है तो मेडिसिन फ्री दे रहे हैं साथ यानी चेकअप के साथ मेडिसिन फ्री है। तो ये इंशाल्लाह आज अल्लाह चाह करी तो वो भी हम जो है आगे काम करेंगे इंशाल्लाह दवाओं को भी अल्लाह चाह तो। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर मुश्ताक सिद्दीकी यूनिवर्सल हॉस्पिटल औरंगाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज फैज मोहम्मद की चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये मेडिकल कैंप रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जनरल चेकअप कैंप है, साथ ही साथ डेंटल दांतों का चेकअप कैंप और आंखों का चेकअप कैंप भी रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज मोहम्मद ट्रस्ट 11 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, हमारे जमीन भाई और बाकी हजरात माशाल्लाह से इसमें खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आज इसी बुनियाद पर इन्होंने एक कैंप रखा है। बड़ा अच्छा कैंप है, काफ़ी लोग उसका जो है इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। अब ये कैंप जारी है, हमारी अपील है कि इंशाल्लाह जो है ऐसे कैंप का ऐसे जो ज़रूरतमंद है ये ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ और आगे भी इंशाल्लाह फैज मोहम्मद ट्रस्ट और हमारा यूनिवर्सल हॉस्पिटल इंशाल्लाह इनकी सहयोग से ऐसे मुख्तलिफ किस्म के कैंप रखे जाएंगे। हमारी अपील रहेगी कि इंशाल्लाह जो स्पेशलिस्ट कैंप है जैसे हड्डियों का कैंप है और कुछ जो है तो खून का कैंप है और ब्लड डोनेशन कैंप है, इंशाल्लाह इस तरह से जो है हम हमारे अलग अलग इलाकों में रखेंगे ताकि जो है अलग अलग बस्तियों के लोगों को उसका नफा हासिल हो। अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, कल पहली बारिश हुई है, तो लोगों को कौन सी चीज़ों में परहेज करना चाहिए ताकि बीमार ना पड़े और अभी सुबह से कितने पेशेंट आ चुके हैं और कौन सी बीमारी के साथ? बराबर, देखिए अभी ये मौसम जो तब्दील होता है असल में ये सेहत के ताल्लुक से काफ़ी फिक्रमंद होने का वक्त रहता है क्योंकि अभी कल से मौसम एकदम से चेंज हो गया है और मानसून आ चुका है तो उस बुनियाद पर लोगों में जो है अक्सर बीमारियां बुखार है, सर्दी है, इस तरफ से खांसी है, लोगों का जो खाने का निज़ाम है एकदम चेंज हो जाता है तो हम जो है अपने खाने पीने के निज़ाम को ज़रा चेंज कर दें, ठंडी चीज़ों से अवॉइड किए और ख़ासतौर से पानी जो रहता है बारिश का अचानक आने से पानी में जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है जरासीम मिल जाते हैं तो हम साफ़ किस्म का पानी और साफ़ सुथरा पानी पीने की कोशिश करें और अपना सेहत का ख्याल रखें। अभी तक लोगों को कूलर ठंडा पीने की आदत थी, अब इससे जो है तो लोगों अगर इससे वो बंद करते हैं तो सेहत अच्छी रहेगी, अगर इसमें हम जो है तो लापरवाही बरतेंगे तो हम जो है अक्सर देखते हैं तो पेशेंट लापरवाही बरतते हैं और आज इसी का हम देख रहे हैं नतीजा कि काफ़ी सुबह से पेशेंट सर्दी खांसी, हालांकि छोटी छोटी बीमारी है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं तो हमारा अपील है कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और दूसरों को भी जो है इसके तालाब पर इंफॉर्मेशन दें। आज जो प्रोग्राम फैज मोहम्मद एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से ट्रस्ट की तरफ से लिया गया है मेडिकल चेकअप कैंप, ये जो ट्रस्ट है इस शहर में पिछले 11 सालों से काम करती है, दिगर अलग अलग मसाइलों पे ये ट्रस्ट ने काम किया है और आज जो मेडिकल कैंप इन्होंने लिया है अशफाक जमील खान, इन्होंने काफ़ी दिन से मेहनत किया है और इनके वालिद जो जमील खान साहब है इनकी सदारत में उन्होंने ये कैंप लिया और मैं इसी मौके पे सभी डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर मुश्ताक सिद्दीकी साहब जो यूनिवर्सल हॉस्पिटल के हैं,
मोहम्मद यासिर जो यूनिक आई ऑप्टिकल के हैं और डॉक्टर जेबा मैडम जो हाजिरा डेंटल क्लिनिक के, ऐसे तीन डेंटल कैंप जो तीन चीज़ों के अलग अलग कैंप यहाँ पे लिए गए हैं और कैंप में देख रहे हैं हम सुबह से काफ़ी लोग आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग मेडिकल सेक्टर में काफ़ी परेशान है। जिस तरीके से हमारे अभी एक रिपोर्टर ने सवाल उठाया था कि घाटी प्रशासन जो मेडिकल फ्री में दिया करता था वो नहीं दे रहा है, तो मैं इस मंच के माध्यम से घाटी डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ कि वो सारे जो भी उनके फैसिलिटीज जो पहले चालू थे उसी तरह जो है तो अभी उसको रन करें। और जैसे फैज़ मोहम्मद ट्रस्ट के हमारे अशफाक जमील खान साहब है, इन्होंने दीगर अलग अलग सेक्टर में भी जो है तो ये कैंप लेके जाएंगे बोले हैं, इसी तरह हम उनका इस बात पर स्वागत करते हैं और इनका शुक्रगुजार है कि जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो है तो डॉक्टरों को अवेलेबल करके पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। सैयद नसीर, देखिए हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम किसी को फायदा पहुंचा सके, ये अल्लाह जिससे काम लेता है, काम लेना जानता है, उसी से काम कर लेता है अल्लाह। हमारा ये काम जो कैंप का है पिछले एक हफ्ते से ये इसका मेहनत चालू थी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे फैज़ मोहम्मद एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ऐसे काम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 साल से हम ये काम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। अभी ये कैंप लिए हमने, सैकड़ों लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आए। इसका मतलब ये है कि लोग काफ़ी परेशान हैं दवाइयों के सिलसिले में, किसी के पास पैसे नहीं रहते, किसी के पास इलाज के लिए पैसा नहीं रहता, तो लोग इससे आप देख सकते हैं ये जो हमने कैंप रखा है इसका लोग कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी हमने देखा है कि आप जो है तो थोड़ा सोशल वर्क में ज़्यादा वर्क करते हैं, अब मौसम बदल गया है तो जैसे आपने सफाई कर्मचारी के बारे में आप क्या कहेंगे, जैसा ये जो एरिया है ज़्यादा इधर सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए आपका क्या मैनेज है? तो हमारे पास ये एरिया में देखिए आप देख सकते हैं कटकरगेट इलाके में, मुजिब कॉलोनी में, यूनिस कॉलोनी में, अदर आपका जितना भी एरिया है ये साफ सफाई यहाँ पर लोग मेंटेन रखते हैं और जो रोड पर कचरा नहीं फेंकते हैं, साफ सफाई का यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कोई है नहीं, हमने देखा है आप भी देख रहे हैं यहाँ पर साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। आगे ऐसे मेडिकल कैंप और लेंगे? अभी तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले से करते जा रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। फैज़ मोहम्मद एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आज जमील खान और अशफाक जमील खान ने कामयाब मेडिकल कैंप लिया, जिसके अंदर जो है तो डेंटिस्ट का, आँखों का और जनरल चेकअप का जो है तो कैंप रखा गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जो है तो फ़ायदे उठाए। हम जो है तो आगे भी जमील भाई से ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि वो कौम की खिदमत ऐसे ही करे, और जो है तो अशफाक जो है तो जिस उम्र में बच्चों को जो है तो खेलने की धुन होती है उस उम्र में वो अपने वालिद साहब के खांधे से खांधा लगा के कौम की खिदमत कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है उनकी इस जज्बे को देख के। तो मैं ऐसी दुआ करता हूँ कि हमेशा कौम की ऐसी खिदमत करते रहे। We'll be right back.